हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। 2024 का आईपीओ सीजन फुल फोर्स से शुरू हो चुका है और इसी हफ्ते 4 आईपीओज लॉन्च हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी इंडिया में ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 7 फरवरी को और 9 फरवरी 2024 को ये एंड होगा। इशू की टोटल वर्थ है 600 करोड़ रुपीस। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 295 टू 311 रुपीस पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे 12 फरवरी को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 14 फरवरी की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, एस इन्वेस्टर मधुसूदन केला की वाइफ माधुरी मधुसूदन केला ने कंपनी में प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 50 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। इशू से रेज हुए फंड्स डेट की पेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किए जाएंगे। चलिए अब कंपनी की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। राशि पेरिफेरल्स 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी। कंपनी इंडिया में ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूटर है। यह अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। कंपनी के दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशंस, जिसमें कंपनी पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एम्बेडेड डिजाइंस, प्रोडक्ट्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करती है। दूसरा वर्टिकल है लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स। इसके अंडर कंपनी ग्राफिक कार्ड्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स और मदरबोर्ड्स जैसे कंपोनेंट्स, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस, लाइफस्टाइल पेरिफेरल्स एंड एक्सेसरीज जैसे कि कीबोर्ड्स, वेब कैमरास। फिर आते हैं पावर इक्विपमेंट सच एज यूपीएस एंड इन्वर्टर्स। कंपनी नेटवर्किंग एंड मोबिलिटी डिवाइसेस भी ऑफर करती है। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया भर में अवेलेबल है। इसमें 50 ब्रांचेस हैं और 63 वेयरहाउसेस भी इंक्लूडेड हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट में एसुस ग्लोबल, डेल इंटरनेशनल, एचपी, लिनोवो, लॉजिटेक एशिया, एनवीडिया कॉरपोरेशन जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। पेयर्स की बात करें तो इंडस्ट्री में रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड इनका पेयर माना जाता है। इंडस्ट्री के बारे में डीप डाइव करते हैं। इंडिया के आईटी एक्सपेंडिचर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परचेजेस और सर्विसेज शामिल है। ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक इंडिया की आईटी स्पेंडिंग 10% सीएजीआर से बढ़ेगी टू रीच 10,870 बिलियन रुपीस। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। The revenue from operations was reported at 9,454.27 crore rupees for FY23 against 9,313.43 crore rupees in FY22 and 5,925.04 crore in FY21, up by 1.51% in 1 year and 59.56% in 2 years. EBITDA amounted to 267.61 crore rupees for FY23 against 305.21 crore rupees in FY22 and 215.22 crore rupees in FY21, a drop by 12.32% in 1 year and up by 24.34% in 2 years. PAT was marked at 123.34 crore rupees for FY23 against 182.51 crore rupees in FY22 and 136.35 crore rupees in FY21, showcasing a drop by 32.42% in 1 year and 9.54% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 2,798.59 crore rupees against 2,670.15 crore rupees in FY22 and 1,594.39 crore rupees in FY21, up by 4.81% in 1 year and 75.53% in 2 years. Share capital for FY23 and FY22 were reported at 20.89 crore rupees and FY21 at 0.99 crore rupees. Total liabilities for FY23 were reported at 2100.33 crore rupees against 2091.82 crore rupees in FY22 and 1197.38 crore rupees in FY21, up by 0.41% in 1 year and 75.41% in 2 years. चलिए अब कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स और रिस्क भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं। कंपनी इंडिया में एक लीडिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। इनका पैन इंडिया मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। कंपनी के वेल नोन ब्रांड्स के साथ काफी अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रही हैं। इनका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है। इनके प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड है।
रिस्क की अगर बात करें तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड्स पर अपने बिजनेस के लिए ये कंपनी डिपेंडेंट है। इनके ग्रॉस मार्जिन्स लो हैं, बिजनेस को लायबिलिटी क्लेम से भी डील करना होता है। कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं और इनका एबिता मार्जिन भी डिक्रीज हुआ है। ये एक काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में भी ऑपरेट करते हैं। एंड लास्टली, द कंपनी हैज सिग्निफिकेंट क्रेडिट एक्सपोजर टू इट्स चैनल पार्टनर्स एंड अदर कस्टमर्स एंड नेगेटिव ट्रेंड्स इन देयर बिजनेसेस कैन इम्पैक्ट द कंपनी। चलिए, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही, लेकिन वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून।